मेरे प्यारे देशवासियों को मेरा प्रणाम। मैं हूं सुनील खाद्यान और मैं आज आपको स्किल इंडिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। स्किल इंडिया, कुशल भारत, कौशल भारत, इस योजना के तहत कोई भी भारतीय युवा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। रजिस्टर करने के बाद कुछ चुनिंदा संस्थानों पे उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। समस्या क्या है? समस्या यह है कि भारतीय युवाओं को यह नहीं जानकारी कि उन्हें रजिस्टर कहाँ करना है, उन्हें किन संस्थानों से प्रशिक्षण दिया जाएगा, किस तरह के उद्योगों में उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, किस प्रकार लघु उद्योगों की शुरुआत की जाती है, कहाँ से उन्हें धन मिल सकता है, सरकारी सहायता कहाँ से प्राप्त की जा सकती है, इन योजनाओं का कैसे लाभ उठाया जा सकता है, यह जानकारी उनके पास नहीं है। तो मेरी इस वीडियो का मकसद यही है कि मैं आपको बता सकूं संस्थान के बारे में, उनके रजिस्ट्रेशन के बारे में, रोजगार के अवसरों के बारे में, लघु उद्योगों की शुरुआत के बारे में आपको जानकारी हो सके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्किल इंडिया भारतीय सरकार के द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके द्वारा हमारे किसी भी भारतीय युवा को निशुल्क, मैं बताना चाहता हूँ आपको, निशुल्क छात्रावास, भोजन, किताबें, नोटबुक, स्टेशनरी, ड्रेस, जूते, सब कुछ दिया जाता है। उसके लिए जो हमारी योग्यता होती है वो होती है केवल 8वीं पास, और न्यूनतम उम्र जो है, आयु है, वो है 18 वर्ष। यहाँ पे प्रवेश के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास कुछ दस्तावेज होना बहुत जरूरी है, जैसे मार्कशीट, आपकी 8th क्लास की मार्कशीट, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र जिस भी आप जाति से संबंधित है, आय प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, क्लर्क पासपोर्ट साइज 5 फोटोग्राफ। अगर ये सब चीजें आपके पास हैं, तो आप स्किल इंडिया की बहुत सी योजनाओं का भाग बन सकते हैं, वहाँ हिस्सा ले सकते हैं और अपने आप को सक्षम कौशल बना सकते हैं। यही भारतीय सरकार का उद्देश्य है कि विश्व पटल पर भारत को ऊपर लेके आ जाया जा सके, और उसके लिए सहायता कर सकते हैं भारत के युवा। अब भारत के युवाओं को समस्या क्या है कि इन योजनाओं का पता ही नहीं चलता, कहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक संस्थान है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की, जो कि मुरथल हरियाणा में स्थापित है। यहाँ पर आप प्लास्टिक से संबंधित किसी भी कारखाने में कार्य करने योग्य अपने आप को बना सकते हैं। कोई भी प्लास्टिक का कारखाना या लघु उद्योग शुरुआत करने के लिए आपको सहायक हो सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 महीने से 6 महीने के लघु कोर्स करवाए जाते हैं, जिसके बाद आपको नौकरी के विशेष अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे भी हैं और इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप सिंपली एक कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, हम आपको आपके घर से लेके जाएंगे, आपको प्रशिक्षण दिलाएंगे और उसके बाद आपको रोजगार भी दिलाएंगे। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9728950888। आप इस पे मैसेज कर सकते हैं या मुझे ईमेल आईडी के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी है sunkadyan@gmail.com। मैं लिख देता हूँ, ये मेरी ईमेल आईडी है sunkadyan@gmail.com। तो यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपको इन रोजगार के बारे में, इन प्रशिक्षण के बारे में, किस तरह रजिस्ट्रेशन करना है इसके बारे में आपको बताएंगे, आपको प्रशिक्षण देंगे, उसके बाद आपको रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, कुछ स्पॉन्सर्ड कोर्स होते हैं जो हमारे एससी भाइयों के लिए होते हैं, उनको छात्रवृत्ति के रूप में भी कुछ पैसे दिए जाते हैं। इन कोर्स की समाप्ति के बाद आपको कुछ छात्रवृत्ति, जिसको हम स्कॉलरशिप बोलते हैं, वो भी दी जाती है। वो हर एक कोर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होती, लेकिन कुछ कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल होती है। तो मैं इस वीडियो के अंत में आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो भाई इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं या जिनको इन चीजों की जानकारी नहीं है, उन तक ये जानकारी पहुंच सके, इन योजनाओं को कोई लाभ ले सके और अपने आप को कुशल कौशल बना सके। यह केवल इंडिविजुअल व्यक्ति का विकास नहीं है, यह देश का विकास है। जब हर एक व्यक्ति आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा, और उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारी सहायता कर रही है। तो आगे आए, रोजगार, जो भी आपको प्रशिक्षण दिया जाता है वो प्रशिक्षण प्राप्त करें, रोजगार प्राप्त करें, लघु उद्योग लगाएं और अपने आप को सक्षम बनाएं, कौशल बनाएं। यही भारतीय सरकार, राज्य सरकार का उद्देश्य है। ओके, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।